उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने छीनू गैंग के कुख्यात अपराधी मुमताज को बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर कार और हथियारों के साथ जिले की एटीएस टीम ने उसके तीन अन्य शातिर साथियों के साथ ऑपरेशन अंकुश के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पूर्वी जिला ने एक ऑपरेशन अंकुश चला रखा है, जिसमें आज उत्तर पूर्वी जिले को बड़ी कामयाबी मिली, जहां छीनू गैंग के कुख्यात अपराधी मुमताज और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं ज्वाइंट सीपी डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा ने यह कहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, उसी के तहत आज उत्तर पूर्वी जिले को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें छीनू गैंग के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से तीन ऑटोमेटिक पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस और एक एक्स्ट्रा मैगजीन बरामद हुई है। उनके पास से 6.5 लाख कैश भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों पर हत्या, लूट, हथियार सप्लाई जैसे जघन्य अपराधों में दिल्ली एनसीआर के थानों में मुकदमे दर्ज हैं। मुमताज पर उत्तर प्रदेश के हसनपुर में ट्रिपल मर्डर और राजधानी दिल्ली में डबल मर्डर का मामला भी दर्ज है। हालांकि पुलिस ने मकोका के तहत इस शातिर बदमाश पर कार्रवाई की। पकड़े गए बदमाशों की पहचान मुमताज, जो कि 50 साल का है, शाहरुख, जो 26 साल का है, समीर, 21 साल और इरशाद, 28 साल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस इनके पास से और भी चीजें तलाशने की कोशिश कर रही है। पूछताछ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस में पिछले 4 महीने से प्रोएक्टिव पुलिसिंग की स्ट्रेटजी हमारे पुलिस आयुक्त महोदय ने शुरू की है। उस स्ट्रेटजी के तहत नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अंकुश के नाम से, जिसके तहत वांटेड क्रिमिनल्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स और जो लोग सस्पेक्टेड हैं या किसी तरह के अवैध वेपन लेकर घूमते हैं, उनकी एक धरपकड़ का अभियान बड़े जोर शोर से चलाए हुए हैं। उसके तहत हमें काफ़ी सक्सेस मिली है। इसी सिलसिले में पूरी तरह से अवैध हथियार की सप्लाई का काम बंद हो, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत कुछ इंफॉर्मेशन डेवलप की गई और हमारे को इंटेलिजेंस मिली। उस इंटेलिजेंस के आधार पर एक पुलिस टीम बनाई गई, जिसने आज जो रात बीती है उसमें लगभग 1:30 बजे के आसपास एक फॉर्चुनर गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, जिसमें 4 अपराधी पकड़े गए, जिनमें से चारों के चारों की तलाशी ली गई, तो उनके पास से कुछ अवैध हथियार, कैश और कम्युनिशन मिला। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक हुआ है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें जो ये 4 अपराधी हैं, छेनू गैंग से संबंध रखते हैं और ये आम सप्लाई का काम करते हैं। इन चारों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। मुमताज नाम का अपराधी है, जो जिसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट 23 है, जो मकोका में भी बंद हुआ था और कुछ दिन पहले वो बेल आउट हुआ था। ये यूपी पुलिस में भी इस पर रिवॉर्ड है और ये एक्सटर्नली भी रहा हुआ है, छेनू गैंग से ये संबंध रखता है। इसके अलावा शाहरुख है, जिसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है 2, जो मर्डर के केस में इन्वॉल्व है, और जो मुमताज है ये इसके साथ काम करता है, और एक इरशाद है, ये इसकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 4था है समीर, इसकी एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। इनके कब्जे से जो हमें मिला है वो बेसिकली 3 सोफिस्टिकेटेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं, 18 लाइव कार्ट्रेजेस मिले हैं, 1 स्पेयर मैगजीन मिली है, 6.5 लाख के लगभग कैश मिला है और टोयोटा फॉर्चुनर मिली है, जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो ये अपराधी हैं, ये ऑटोमेटिक वेपन लेकर
और बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं।